FHP भारत YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस ये 70 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, 83 देशों में, और ये पता चला सिर्फ 2 महीने पहले। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती पर वो जीवन में होती हैं। कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, ठीक है। आज की डेट में भी देखो, आप जो इंग्लैंड की महारानी है उसने दस्ताने पहने होते हैं, वो हाथ मिलाती है और उसने दस्ताने पहने हुए। ये बंदे मेल जेंट्स लोग हाथ नहीं मिलाते थे, और इंडिया हमारा इतना एडवांस था शुरू से ही कि हम नमस्कार करते थे जिससे कोई भी वायरस वगैरह ना आ सके। पर इसमें हाथ ना मिलाने से, बार बार हाथ धोने से, किसी को बुखार हो हम उसके पास ना जाए, छीके कोई उससे दूरी बना के रखे, यानी कि कुछ ना कुछ इसकी प्रिकॉशन है। अगर हम इसको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। सही है, यस और यस, यस, गुड। ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना, इसको तो रोका जा सकता है। कोरोना वायरस जो है, कोरोना, ये सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंडिया में है। सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति इंडिया में है, और ये उन लोगों को ज्यादा तंग करता है जो आलसी हैं और जो लोग असफल हैं। ये उन लोगों को ज्यादा तंग करता है, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देता है जिनकी ये आदत होती है जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए उनको बोलो तो वो करेंगे ना। आप किसी को बोलो कि सुबह जल्दी उठना है, सैर पे जाओ, तो वो करो ना, वो ना करेंगे। आप किसी को ये बोलो कि योगा करना अच्छा है, वो ना। आप किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देते हो तो तब भी वो ना करते। वो आप तो ना करता ही है तो दूसरों भी को भी ये कहता है कि तुम भी करो ना। ये वायरस जो है हर आलसी और हर नाकामयाब लोग के अंदर होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये अपनी जिंदगी जिसके अंदर ये आ जाता है ना वायरस कोरोना, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी तो खराब करता ही है, अपने परिवार की जिंदगी भी खराब करता है और अपने समाज की जिंदगी भी खराब कर देता है और देश की जिंदगी भी खराब कर देता है। पाकिस्तान को आज बोलो कि इंडिया से दोस्ती कर लो तो वो करेगा ना। भूखा मर जाएगा पर वो अच्छा काम। आज के बाद जो व्यक्ति काम करने को ना बोले तो समझ लिए इसको कोरोना है। अब आप देखो, किसी को कहो भी ऐसा है तू मंदिर जाया, मतलब संडे के संडे चल तू किसी चर्च में चला जाया कर, तो वो कहेगा ना। वो 3 घंटे फिल्म देखने चले जाएगा, 10 मिनट भजन नहीं करेगा तो समझे उसको क्या है। वो ताश खेल लेगा 2 घंटे बैठकर, किसी को प्लान देने नहीं जाएगा, इसका मतलब उसको क्या है। बिजनेस को ज्वाइन किए हुए कई हफ्ते कई महीने हो गए हैं, आप उसको कहते हो कि भैया तू ये बन जाएगा वो बन जाएगा, उसका यही होता है। कोई अगर वो एक्सक्यूज करता है, कोई बहाना बनता है, आप उसी टाइम पे समझ जाओ इसको कोरोना है। ये जो कोरोना बीमारी है,
ये बहुत खतरनाक बीमारी, वो वायरस का कोई इलाज है इसका कोई इलाज भी नहीं है। पिछले 5000 सालों से, 10000 सालों से, लाखों सालों से इंसान के अंदर ये है और इंडिया में अंग्रेज लोग, छोटे छोटे देश, इतने छोटे छोटे देश जिन्होंने हमारे ग्रंथ यहां से ले जाकर कुछ पेजों के ऊपर रिसर्च करके आज दुनिया की पावर बन गए हैं, और हम कहते हैं करोना। कोई अच्छा काम हम करने को कहे तो वो कहेंगे ना। आज के बाद आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति अच्छे काम को भी ना बोल रहा है, समझ लो वो उसके अंदर क्या है, अब उसके अंदर आया कहां से, ये भी सोचने वाली बात है। उसके अंदर आया कहां से, उसके अंदर आया है उसके मां बाप से, उसके दादा दादी से, उसके सर्कल से ही। जब एक बच्चा छोटा होता है, जब वो रोता है, जब वो बेड के ऊपर होता है, सो रहा होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कहीं वो गिर ना जाए ना। जब वो चलना शुरू कर देता है तो हम बोलते हैं ना। क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, ना डाल रहे हैं। जब वो पढ़ाई करने जाता है तो हम उसको बोलते हैं भाई पढ़ ले फेल ना होना। हम उसको ये नहीं कहते कि अच्छे नंबर लेकर पास होना, हम ये कहते हैं फेल ना, ना पहले। वो साइकिल चलाने जाता है, हम उसके उसको कहते हैं गिरना ना, ना। जब बचपन से प्रोग्रामिंग उसकी नेगेटिव हो गई है, ना उसके दिमाग में जा रहा है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फिर हर काम को ना है। उसके अंदर कोरोना जो है वो फिट हो जाता है और उसकी जिंदगी को बर्बाद। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ना मौत है, ना करना मौत है, और हां जिंदगी है। क्योंकि कुदरत ने हमें हर चीज दी है। कुदरत तो हमें ना नहीं बोलती ना, बोलिए। जब हवा चलती है तो सभी जगह सभी लोगों लगती है, जब सूरज निकलता है तो सबके लिए जैसे ही निकलता है, जब निकलता है ना, वो अलग बात है, मौसम की वजह से वो अलग है। पर जब आप कभी जहाज में जाओ ना ऊपर, तो बादलों से ऊपर जाओगे, ऊपर सूरज निकला ही होता है, ऊपर सूरज दिन के टाइम पे निकला ही होता है, क्योंकि वो उठता ही बादलों से ऊपर है। कुदरत हां है, आज तक जो कुछ भी है वो चंद लोगों की हां की वजह से है। अगर ना होता तो दोस्तों जिस बंदे ने ये लाइट बनाई थी ना, जिसने बल्ब, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का इजाद किया था, वो कई बार फेल हो गया था। अगर लोगों ने उसको भी जाकर बोला बस अब तू एक्सपेरिमेंट ना कर, ना कर, ना कर, ना कर, पर वो लगा रहा, वो लगा रहा, जिसकी वजह से लाइट एक दिन। तो इसलिए ये जो करो क्या ना, कोरोना जो है इसका एक ही हल है कि हम जिंदगी में जिंदगी को तलाशें। आप देखिए ये दोनों बाप बेटी हैं, दोनों के पैर नहीं हैं, दोनों के पैर नहीं हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लड़की के दोनों हाथ भी नहीं, बाजुए हैं, आप देखिए ध्यान से, हाथ भी नहीं है। जब सबसे जो अच्छी बात यह है, इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। कभी आप देखते होंगे जिंदगी में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पर कोरोना वायरस अंदर है और वो मायूस बैठा हुआ है। इन लोगों को देखिए, भगवान ने इनको पैर भी नहीं दिए, फिर भी ये भाग रहे हैं। ये है जिंदगी। डर गया सांस। चाहे कुछ भी आप काम करो, कुछ
कुछ भी काम करो, मैं ये काम कहता हूं कि कुछ भी करो ईमानदारी से करो। आपके अंदर इतना होना चाहिए कि अगर ये टेबल भी साफ करने को मिल गया ना, इतनी सफाई से साफ होना चाहिए कि दूसरों को पता चले कि यार टेबल तो पहले भी साफ होता था, आज बात इसमें कुछ और है। अपने काम को इतनी शिद्दत इतनी ईमानदारी से कीजिए कि कोई व्यक्ति कमी निकाल ही ना पाए बल्कि तारीफ करे, क्योंकि जिंदगी हामे है। आप देखिए ध्यान से, इस लड़की के हाथ नहीं है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाती है श्रम से। इनके अंदर कोरोना नहीं है, इनके अंदर है जिंदगी जीने का जज्बा, इनके अंदर है। हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुदरत की तरफ से जो चैलेंज आए उनको भी एक तरफ फेंक कर अपने दिल की सुनी, अपने मन की सुनी और वो कर गए जो लोग नहीं कर पाए, जिनके हाथ पैर होते हुए भी वो चीजें नहीं कर पाए जो ये अपंग होने के। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी।